दोस्तों हमने आपको ये तो बता दिया कि एक अच्छा रीमेक कैसे बनता है, अब हमें आपको ये भी बताना है कि एक बुरा रीमेक कैसे बन सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्शन रिप्ले। एक्शन रिप्ले हैड द इंग्रेडिएंट्स फॉर ए हिट मूवी, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आई वुड से, चाहे वो एक अच्छा डायरेक्टर हो, एक हिट डायरेक्टर हो, चाहे वो ए लिस्ट एक्टर्स हो, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय बच्चन, रिलीज टाइम हो, दिवाली हैज बीन द बेस्ट रिलीज टाइम फॉर एनी मूवी, हिट म्यूजिक हो या इंस्पायरेशन हो, दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट इज बैक टू द फ्यूचर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक्शन रिप्ले वॉज ए फ्लॉप मूवी। अब ये फ्लॉप क्यों हुई मूवी? जहां तक मेरा ये मानना है और जहां तक मैंने इस मूवी को एनालाइज किया है, इसके काफी कारण है, बैड एक्टिंग, बैड डायरेक्शन। इसके अलावा जब जो हीरो पास्ट में जाता है उसको डायरेक्टर अच्छी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, वो कन्विंस नहीं कर पाए कि हाउ ए पर्सन कैन गो बैक टू द पास्ट। दैट वाज वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज दैट इन बैक टू द फ्यूचर व्हेन माइकल जे फॉक्स ही गोज टू द पास्ट, तब उसकी मदर शी स्टार्ट्स हैविंग क्रश ऑन हिम, विच वॉज वेल एक्सेप्टेड बाय वेस्टर्न ऑडियंस। अगर इस चीज को मेंटेन करते या कॉपी करते तब तो ये मूवी सुपर फ्लॉप हो जाती, शायद पोस्टर फट जाते। इंडियन ऑडियंस तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि कोई बेटा अपने माँ बाप को रोमांस के लिए पुश कर सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि मैं जब भी इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देखता हूँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। आई कंसिडर दिस मूवी एज द रूम ऑफ बॉलीवुड। अब ये द रूम क्या मूवी है, इसके बारे में किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।